मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप मेरे ये मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जहाँ पर सिग्नल मिल रहे हैं वहाँ 4G प्लस का सिंबल बना आ रहा है, जहाँ पर समय भी बता रहा है 15:42। उसके पास आप देख सकते हैं 4G प्लस सिंबल आ रहा है। जब से मैंने अपने फ़ोन को अपडेट किया है, एंड्रॉयड 11 में अपडेट किया है, ये 4G प्लस होता क्या है? ये होता है दोस्तों कैरियर एग्रीगेशन। और ये काम क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग्स ऑप्शन में चल के जहाँ पर डुअल सिम मोबाइल और नेटवर्क दिया होता है, वहाँ पर आप जो है अपनी सिम पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं, यहाँ जो नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन दिख रहा है कैरियर, यहाँ जियो 4G लिखा आ रहा है। ये ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ दे रखा है। ये करता क्या है दोस्तों, आपके आसपास के जितने भी यहाँ पर जो टावर लग रहे होंगे, जो वोल्ट LTE जो आप 4G सिग्नल सपोर्ट करते हैं, वहाँ से जो है अब ये किसी एक टावर पर डिपेंडेंट नहीं रहता है और जहाँ से भी इसको सिग्नल मिलते हैं उन सिग्नल्स को ये जल्द से जल्द कैच करता है। इससे होता क्या है, इससे नेटवर्क की स्पीड भी बढ़ती है और आपके डाउनलोड और जो हम कह सकते हैं अपलोड करने का जो टाइम होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। तो ये 5G में जो कह सकते हैं हम अपडेशन हो रहा है, उसी के तहत ये काम किया जा रहा है कैरियर एग्रीगेशन। ये काफ़ी सारे मोबाइल्स में इनेबल आता है, काफ़ी सारे मोबाइल्स में हमें इनेबल करना होता है। सिम कार्ड इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स पे जाकर कैरियर एग्रीगेशन को आप ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी 4G नहीं आ रहा है, प्लस यहाँ नहीं दिख रहा है। अब 4G प्लस जैसे ही आसपास के किसी भी हम कह सकते हैं टावर से ये सिग्नल को कैच करता है, इससे मैं एक ऑप्शन और दूंगा। अभी आप देख सकते हैं या 4G प्लस दिखाने लगा है, मैं आपको एक और ऑप्शन बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, एक ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, जैसे कि आपके पास एक बकेट है, उस बकेट में आप एक नल से पानी भर रहे हैं और मान लीजिए हम उसी बकेट को 5 नलों से भरेंगे तो वो बकेट कितने जल्दी भर जाएगी, बस यही कंपैरिजन है नेटवर्क स्पीड का भी। आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, 4G प्लस वाले जितने भी फ़ोन हैं उनकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई है। किसी भी नेटवर्क सिग्नल टावर से जहां से सिग्नल अच्छे मिलते हों, स्ट्रॉन्ग मिलते हैं, वहां से ये कैच करके आपके मोबाइल तक लाता है। 4G प्लस सिंबल इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये था कैरियर एग्रीगेशन का ऑप्शन। आप लोग भी अपने फ़ोन को जब अपडेट करेंगे, एंड्रॉयड 11 में लेकर आएंगे, किसी किसी चिप सेट में ये होता भी है, किसी किसी में नहीं होता है, तो जिनके में भी ये आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो आप सिम कार्ड में जाकर कैरियर ऑप्शन पर जाकर इसको इनेबल कर सकते हैं, तो आपको जो ऑप्शन ये दिखने लगेगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन क्या होता है ये समझ आया होगा। अगर ये समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।